तो वेलकम टू गाइस माय अनदर ब्लॉग। तो मेरा नाम है जयविष्ट और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग बाय जयविष्ट। तो अभी हमें पहाड़ की एक हसीन वादियों में, देखो पीछे है पहाड़ हमारे पूरा, और आई है धूप। देखो अभी भाई नहा चुका है यहाँ आके, क्योंकि वहाँ तो नहाता नहीं है बहुत टाइम तक, और पागल अभी इसने नहा दिया है। पता कैसे नहा दिया, ठंडे में। तो और ऐसा है, देखो आगे का व्यू, व्यू तो बहुत तगड़ा आ रहा है यार। देखो ये हमारे घर से व्यू दिखता है, और आगे कुछ गाँव है, और ये देखो इतना अच्छा व्यू आ रहा है, और धूप लगी बहुत तेज। और ये पता नहीं किसके शोर में पड़ा है, पता नहीं। तो हम चलते हैं अंदर को, और मम्मी अब दुकान में है, तो तब तक पहले दुकान में चलते हैं। और मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ, मैंने अभी इसमें अपना ब्लॉग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ थोड़ा, तो उसको भी देखते हैं। और अभी अपलोड करना है, ये तो दूसरा ब्लॉग है ना, तो ये है यहाँ से। और अभी हमारी बाइक खड़ी है उधर, दिखाता हूँ आपको, बाइक भी दिखाता हूँ। तो चलो, और ये हमारी बाइक जो खड़ी है यहाँ पे, और ये मम्मी। तो मैं कुछ बोलना चाहोगे तुम? और मम्मी कर रही बुनाई, तो मम्मी खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ करती रहती है। हाँ तेरे बाल बाल तो ऐसी मेरे, और वो वहाँ लगी कहीं बम की दुकान होती है जो, और ये हमारी दौड़ाखाल की मार्केट है। तो ऐसा है देखो, कुछ ऐसे 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 देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना यहाँ का। और ये हमारी दुकान शॉप, तो कितनी अच्छी लग रही है ऐसे कुछ। तो हम जाएंगे अंदर को, और अभी एक्सपोर्ट पे लगाई मैंने वीडियो एक, तो ये एक्सपोर्ट हो चुकी है, आधी आधी हुई है अभी। देखो एक्सपोर्ट चल रही है, तो ये ब्लॉग हो रहा है। और ये हमारी दुकान अंदर, ये हमारा थोड़ा किचन टाइप, मतलब चाय बनाने के लिए। और ये है ऐसे दुकान हमारी, ये मतलब कॉस्मेटिक की दुकान है, और ऐसे कुछ 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 कुछ। और मैंने बंद कर दियो, मेरे को बता। ये अंदर को, ये हमारी जो नया शॉप है, और मैं जा रहा हूँ अभी भाई के पास, भाई क्या कर रहा है देखता हूँ। तो ऐसा है कुछ, ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ मौसम। और मैं कितना गोरा हो रहा हूँ, क्या कच्चा, कौन सा कच्चा यार, ये कुछ काम ना बताते रहता है मेरे को, कुछ ना कुछ काम बताते रहेगा टाइम। तो मैं जा रहा हूँ, सामान आता हूँ, फिर चलते हैं घूमने, लाने के चलते हैं, वहाँ को दिखाते हैं लाने के तुम कैसा ऐसे। मैंने ले चुका है इसको, ये जो अपने कर होता है तो ये पहनेगा, और इसको दे आता हूँ पहले, फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अब तो कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे 2-4 दिन, जब तक घर पर मैं हूँ ऐसा कुछ। अभी एक अपलोड रहेगा समथिंग यार, अभी 11 बजे तो यार 1-1.5 बजे तक हो जाएगा। और ये रख दिया, और ऐसा कुछ खतरनाक है भाई। तो ये बहुत देखो यहाँ कितना गोरा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ स्मार्ट स्मार्ट लग रहा हूँ बहुत यार, अपने पहाड़ में अलग ही मजा है यहाँ आने में। मैं भी नहा लिया वैसे, और मैंने तो कंडीशनर किया है वालों में। हाँ और मैं भी नहा लिया है, और मेरे बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, और मस्त लग रहे हैं। देखो कैसे लग रहे, बहुत अच्छे हैं, देखो इतने बड़े आ चुके हैं। तो अभी चलते घूमने, ठीक है? तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, मिलते हैं देर बाद। तो हमारा सफ़र शुरू होता है रानीखेत की ओर। तो जैसे कि हम जा रहे थे बाइक पे, और तो हमको मिली पहली लैंडस्लाइड, जो कि यार मोड़ पे थी, तो बहुत पत्थर आ चुके थे नीचे। तो और फिर हम आगे की ओर चल रहे हैं, ये यहाँ हरा हरा जंगल है। और हम अब पहुँचने वाले हैं नाकोड बैंड, जो कि यहाँ से करीबन 100 मीटर दूरी पर है, और हमारे घर से डोड़ाखाल से समथिंग समथिंग 4-5 किलोमीटर पड़ता है, वो नहीं 3 किलोमीटर पड़ता है। और तो ये इसका लास्ट मोड़ है। तो ये आ चुका है नाकोट बैंड, जो कि ये है, और यहाँ पे एक दुकान है, और ये है बड़ा सा बैंड। इसी बैंड के चक्कर में इसका नाम नाकोट बैंड पड़ा है। तो
तो अब मौसम देखो ये दुबड़ा का, जो कि हमारे वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और देखो कितना अच्छा मौसम है यहाँ का। बट यहाँ धूप नहीं आ पाती इस जगह पे, यहाँ ठंडा ठंडा होता रहता है, और ठंडे के दिनों में तो यहाँ यार पाला भी गिर जाता है, बिल्कुल रोड गीली होती है, और जिसमें बाइक वाइक फिसलने का बहुत डर रहता है। और अब हम चलते हैं आगे की ओर, अब आपको दिखाते हैं दूरी खेत की मार्केट। तो गाइस ये है देवली खेत की मार्केट। और तो ये यहाँ हमारा स्कूल भी हुआ करता था, पर हमने यहाँ मैंने स्कूल यहीं पढ़ा था देवली खेत में, और जो कि हम आते थे 6-7 किलोमीटर पैदल चल के। तो ये मार्केट देखिए आप, और यहाँ देखो दीपावली के लिए। और अब मेरे को मिला मेरा दोस्त जो कि हमारा क्लासमेट था। हमने हाँ तभी तो मैंने पूछा था, इससे मना करा था, चल आता हूँ अभी तो ऐसा कुछ। और यहाँ दूर की तो मुझे भीड़ बहुत थी, कैमरा मेरा बहुत हिलता है, और ऐसा है कि और देखो यहाँ की मार्केट कितनी अच्छी। देखो वाटरफॉल उधर से तो अभी और साफ दिखता है, बट यहाँ से दिख रहा है। और देखो अभी पानी कम हो रहा है इसमें, और यहाँ पे नहा सकते हो आप। तो अभी हम जा रहे हैं, और बाइक है, और ये भाई हमारा देखो कैसा बन गया है, मैंने हीरो जैसा। और ये पुल, जब बारिश आ जाती है तो इस पुल से पार करना पड़ता है वो रास्ता। तो आप चल रहे हैं आगे से, हमारा डेस्टिनेशन है अभी रानीखेत। तो अभी पहले रानीखेत चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और बाइक ये हम पहुँच चुके हैं रानीखेत की मार्केट में, और देखो ये है तारीख मार्केट जैसी। और एक भाई से भीड़ ओ भाई से भीड़ हुई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रानीखेत मार्केट में, और यहाँ भीड़ स्टार्ट हो चुकी है। देखो हम जा रहे हैं रानीखेत मार्केट में, और हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़, अभी तो कम है। और देखो ये है पेट्रोल पम्प रानीखेत का, तो अभी जा रहे हैं रोड बाई रोड। अभी तो भीड़ कम हो रही है, अभी देखना थोड़ी देर बाद पैरसने की होने मिलती है। और यहाँ पे थोड़े ये हमारे अंकल जी पुलिस वाले, वो बहुत सारी भीड़ हो रही है ये मार्केट में। और ओ भाई सब भीड़ 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 फसल। तो भाई फाइनली हम रानीखेत से अब आगे को जा रहे हैं अपनी बाइक की ओर, और अभी भाई तो आया नहीं है। और यार यहाँ भीड़ हुई है तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं वहाँ का, क्योंकि यार पैरसने की जो नहीं है। और तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के लिए, और यहाँ से चल देंगे सीधे घर को। तो यार फाइनली हम ले रहे हैं मिठाई, तो अभी जाते हैं मनपसंद। हाँ तो हम यहाँ से रहेंगे मिठाई। और ये है हमारे भैया जो रसगुल्ले बेच रहे हैं। बढ़िया, अब और भी कोई इतना चाहिए आपको। फाइनली हम फिर से नीचे को जाने लग गए, और हम जा रहे हैं केले लेने। और देखो ब्लॉगिंग फिर शुरू कर दी, भीड़ है इधर को, मतलब इधर को तब भी कम है, अभी आगे को दिखाऊंगा तो यार बहुत भीड़ है, वहाँ को कर नहीं सकते हम ब्लॉगिंग। ये देखो आगे को भीड़ दिखा, अभी दिखाएंगे आपको भीड़ आगे को, वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। तो आगे जा रहा है भाई, तो ये ऐसा है कुछ। तो यहाँ पाए बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। हाँ हाँ सब भाई हरे ले ले यार, जो बाद में काम आएगा वाले रख ले भाई, ये वाले। हाँ ये क्योंकि यार घर में सीधी खाते थोड़ी है। एक दर्जन एक तो हम जा रहे हैं ऊपर को, और अब शायद यार घर को जाएंगे। और अगर आप रान के आना चाहते तो आ सकते हैं। और बट यार मैं कहूँगा कि यार दीपावली मत आए, क्योंकि यार बहुत भीड़ होती है, और हम भी यार जी बेकार आ गए हैं, क्योंकि यार नीचे जाने में इतनी भीड़ थी, मतलब आगे कोई दिख नहीं रहा था। तो मैंने कैमरा बंद नहीं किया, अब यहाँ को तो खाली खाली है थोड़ा,
मैंने ऑन कर लिया, तो अब चलते हैं। अरे सुन, और मामा के यहाँ चलते हैं। कहाँ? अपना नाम बताओ, कौन है वो? कौन नाम बता? ये है हमारी मोटू, ये हमारा बल्द है, ये हमारा बल्द, ये हमारा बल्द है और ये हमारी खुशी है। तो हम पहुंच चुके हैं अब इनके घर पे, इनके घर पे। हीरोइन हूँ मैं। हीरोइन नहीं, तो बल्द है। तो अभी हो चुकी रात और अभी हम मैं अपनी दुकान में और लाइट चल चुकी है। आपको दिखा दो बाहर का सीन। अभी मैंने पटाखे ले चुका हूँ, दिखाता हूँ आपको पटाखे। ये हैं पटाखे। तो यार अभी ज्यादा नहीं रहा क्योंकि हम फोड़ते उड़ते नहीं है पटाखे। पहले फोड़ते थे जब बड़े बच्चे थे, फिर अब इतने लागे खड़े काम चलाऊ। और बाहर देखो लाइटिंग ऐसे कुछ, अभी दिखाता हूँ आपको बाहर का सीन ऐसा हो रहा है कुछ। ये देखो अभी अंधेरा हो रहा है और लाइट चमक रही है बिल्कुल। आपको अपने रूम पे ले आता हूँ पहले। तो ये हमारे घर का मंदिर छोटा सा है, तो छोटा सा ही है। और तो यहाँ सजाया हमने ऐसे, लाइटिंग करी है थोड़ी। और तो ये हमारा मिरर, इससे भी लाइटिंग की है। और अभी आपको बाहर से दिखाता हूँ। और ऐसा है कुछ बाहर का, ऐसा देखो उसमें लगाई लाइटिंग और थोड़ी यहाँ पे लाइटिंग है ऐसे। और ये देखो ये बम फोड़े हैं, अभी अभी जाते हैं दिखाते हैं आपको बम फोड़े। आग लगा रहे हैं। तो ये वाली है हमारी मिठाई और गिफ्टेड है, जो कि हमको कंपनी से मिली है, मदरसन कंपनी। वो इसके अंदर देखते क्या है। तो इसके अंदर पहले खोल देता हूँ, ठीक है। तो अब तैयारी हो रही है पूजा की, तो अभी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद खाना ना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो अभी देखते हैं पहले पूजा। तो योगेश अभी नींद में है, उसको ये कब खत्म होता है और कब सो जाता हूँ। तो ये हमारी मिठाई है और ये मम्मी पूजा करी। दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्णु राता, ओम जय लक्ष्मी माता। गारूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, कोई तुमको दाता जो कोई तुमको दाता शीश दीदन पाता। तुम पाताल निवासन तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की यात्रा, ओम जय लक्ष्मी माता।